बताओ कितने टेस्ट आएंगे? 1 2 3 4, सही है, 1 2 3 4, और कौन सा आएगा बताओ? फाइव H2S। H2S, फाइव, ठीक है, यही पांच आएंगे। चलो आप कोशिश करो, पहले मैं लिख देता हूं, आप कोशिश करना। Hg2 2+, Hg2 2+, Hg2 2+, इसमें मैं अलग से लिख रहा हूं Hg2Cl2, Hg, और एक क्लोराइड आता है और एक नाइट्रेट आता है, एक क्लोराइड आता है और एक नाइट्रेट, सल्फाइड वाला मैं अलग से लिखूंगा। यहां था Ki, यहां था KCN, यहां था क्या NaOH, यहां था NH4OH, और इसमें भी NH4OH, H2S का नेक्स्ट पेज पे आएगा। ठीक है, आप आराम से बस सोच लो क्या बनने वाला है, क्या घुलेगा क्या नहीं घुलेगा। ठीक है, ध्यान सुनना, मैंने बता रखा है इसकी प्रॉपर्टी, क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है? किसमें होता है डिस्प्रोपोर्शनेट बताओ? Hg में और Hg+2 में, ये हिंट है आपके लिए। सर डी ब्लॉक है सर, इसलिए आपका इनसॉल्युबल होगा सर, के आई में के सी एन में सॉल्युबल होगा सर। नहीं, तुम क्या बोले सत्यम, फिर से बोला पहला वाला क्या? सर एच जी हाँ, सर एच जी डी ब्लॉक में आता है ना सर। वो सॉल्युबल होता है। हाँ, डी ब्लॉक में इनसॉल्युबल, डी ब्लॉक में इनसॉल्युबल। हाँ सर, इनसॉल्युबल होगा फर्स्ट वाला सर, सेकंड ठीक है। वाला सॉल्युबल, थर्ड और वाला रुक के सर बता रहे, थर्ड वाला। देखो, ये बनेगा पहले ले Hg2I2, और ये ग्रीन कलर का होता है। क्या होता है? ग्रीन कलर का। सर देखो मैं बताता हूँ, सॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉल्युबल सॉल्युबल। देखो ध्यान से सब, देखो देखो कैसे ये घुलेगा। वैसे डी ब्लॉक का है, इसमें क्या होना चाहिए? इनसॉल्युबल। लेकिन अगर मैं इसको बॉयल कर दूं, क्या हो जाएगा? डिसप्रोपोर्शनेट, एच जी में जाएगा, और कहां जाएगा? एच जी आई टू में। बता रखे हैं स्टार्टिंग में कि एच जी कैसा होता था, कैसा होता है ये एच ये जी? एक्सेप्शन था ना। हाँ, ब्लैक। अरे सॉरी सर, कोई बात नहीं सर, होता है। कहाँ गया? देखो ये था ना Hg+2 था एक्सेप्शन, किसना? Hg2+। आप बोलोगे सर यहाँ तो Hg2+ है और यहाँ तो Hg क्या है, 2 2+ है, मर्क्यूरियस है, तो सेम कैसे हुआ? मेरे लाल रुको जरा, सबर करो। मैंने ये भी बताया है कि जब Hg2 2+ हो, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। बॉयल विद डिस्प्रोपोर्शनेट हो Ki करोगे जाएगा। तो ये जो बनना है जीरो। अब दूसरा क्या बनेगा? Hg2+ बनेगा, बोलो हाँ है ना। यस सर, Hg1 था, वो क्या बनेगा? +2। अब वो घुल जाएगा, क्या हवा लगा क्या? अब वो +2 बन के घुल जाएगा। बताओ यहाँ पे KCN में क्या बनेगा? तुम डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट देखो, ये +1 में कहाँ जाएगा? जीरो में जाएगा, और जीरो के साथ कहाँ जाएगा? +2 में। क्या बन जाएगा? HgCN का होल ट्वाइस। क्या होगा? HgCN का होल ट्वाइस। एक्सेस में क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा। NS में क्या बनेगा? अच्छा बताओ, HgOH बनाए या फिर Hg2O बनाए? Hg2O। Hg2O। मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक और सिल्वर क्या बनाते हैं? ये ऑक्साइड बनाते हैं। अच्छा, फर्दर अगर ये बॉइल कर दो, क्या बन जाएगा? Hg+HgO। सर ये बार बार क्यों हो रहा है? मैं बताया हूँ भाई साहब, ये डिसप्रोपोर्शनेट कर जाता है। कितनी बार बोले हैं? जीरो में और +2 में। और एक्सेस में क्या होगा? एक्सेस में क्या होगा? NaH के सॉल्युबल इनसॉल्युबल, क्योंकि इनसॉल्युबल ये क्या सच्चे नहीं है, में, एम्फोटेरिक नहीं। सच्चे ये एपिटेरिक नहीं हाँ, आ जाओ NH4, इसमें क्या होगा? है इसमें से सॉल्युबल। ध्यान देना ध्यान से, ये +1 में कहाँ जाएगा? जीरो में, और +2 में HgNH2Cl।
ये कहीं लिखा था क्या स्टार्टिंग मैंने? देखो ये देखो, लिखा क्या? यस सर, क्योंकि ये पीपीटी था, ये क्या था? पीपीटी था, इसलिए यहां पे गया था। अब बताया था भाई सब कुछ भी, ये क्या था? ब्लैक था, ये क्या था? व्हाइट था। ओवरऑल भी क्या दिखा था आपको? ब्लैक दिखा था। और ये सॉल्युबल किसमें होगा? जो कहीं नहीं घुलता, वो कहाँ घुलता है सर? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया में घुलता है। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना इस टॉपिक को लेके, क्योंकि बिल्कुल मेंशन नहीं है सिलेबस में। तो क्यों पढ़ा रहे हो भाई साहब? क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप गलती से आ गया तो आप परेशान मत हो, बस धुंधला धुंधला याद रहे तो भी ऑप्शन कट जाएगा आपका, ठीक है? अब इसमें क्या बनेगा? कुछ तो मिलेगा। क्या बोल रहे हो सत्यम? यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है सर, वहाँ कुछ तो मिलेगा। आ गया तो वही ना, इसीलिए देखो मैं क्या कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ, कुछ भी नहीं। यहाँ क्या बनेगा? एच जी। देखो यहाँ पे बनता है ऐसा, जैसे यहाँ था ना एच जी NH2 और NO3, ये तो ब्लैक ही है, ये क्या है? व्हाइट। ओवरऑल क्या दिखेगा? ब्लैक दिखेगा, जैसा HgCl2 था। कुछ नहीं है मेरे लाल, देखो यहाँ पे Cl था तो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे NO3 है तो यहाँ पे NO3 है, बस जुड़ क्या गया है? HgO। इतनी सी बात है सर। हाँ सर, वो जब Ki के साथ बॉईल कर रहे तो Hg प्लस एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है ना यहाँ पे? हाँ, तो वो तो Hg का तो पीपीटी रह ही जाएगा, तो मतलब कौन ये? हाँ ये सॉल्युबल होगा, ये तो पीपीटी रहेगा ब्लैक कलर का, तो इसको बोलेंगे कि सॉल्युबल है? नहीं नहीं देखो भावना को समझो, एक आपका HgI2 पीपीटी था, ठीक है, उसको डाल दिए क्या Ki में, है ना, एक्सेस में, और बॉइल कर दिए। तो बॉइल करने के बाद क्या है, जो पीपीटी बना वो Hg का है और एक क्या है, सॉल्युबल है। तो ओवरऑल क्या बोलोगे कि भैया इसमें, जैसे सपोज ये बोतल है, ये क्या है? बोतल। अब इसमें क्या था, ये पहले पीपीटी यहाँ था, क्या था? पीपीटी। अब डाल दिया आपने क्या है, और बॉयल कर दिया, तो अभी जो पीपीटी है वो क्या है? एचजी की पीपीटी है, और जो मर्क्यूरस आयन है वो क्या है? सॉल्युबल है। तो ओवरऑल क्या बोलोगे? ओवरऑल ऐसा कुछ नहीं भैया, किसमें पीपीटी है सॉल्युबल है, तो क्या बोलोगे भैया? उसका जो कॉम्प्लेक्स बना है वो सॉल्युबल है, और मर्करी जो है वो क्या है? पीपीटी फॉर्म में, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा Hg की पीपीटी होगी वो, या फिर लिक्विड फॉर्म में होगा? बॉईल करे तो लिक्विड ही होगा। हाँ वही तो, पीपीटी नहीं बनेगा ना फिर, समझ रहे हो विशाल? कहीं एरो नहीं है। पानी होगा या जो भी होगा उसमें, मतलब वो मिक्स तो नहीं करेगा ना? ना बिल्कुल मिक्स नहीं करेगा। ना बिल्कुल मिक्स नहीं करेगा, तो वो दो इमिसिबल लिक्विड जैसा सेपरेटेड होगा, वैसा दिखेगा। क्योंकि ये देखो ये ब्लैक है और ये एकदम घुला होगा, ये पूरा सॉल्यूशन में घुला होगा और ये आपको अलग से दिखेगा ब्लैक कलर का, ऐसा होगा। लेकिन पीपीटी बोला थोड़ा सा, अगर कोई लैब में देखेगा तो उसको पता चलेगा सर? एकदम पता चलेगा। देखो उसमें क्या दिखेगा, ध्यान सुनना, पहले वो ग्रीन कलर का पीपीटी दिखेगा, क्या दिखेगा? ग्रीन कलर की पीपीटी, समझ रहे हो? ग्रीन कलर का, यस सर। फिर मैं वो डालेगा सर, बॉईल करेगा या फिर एक्सेस में डालेगा। अब वो ग्रीन से क्या हो गया? ब्लैक। आराम से मालूम पड़ जाएगा, लैब में तो हम लोग कलर चेंज ही देखते हैं, ठीक है? चलो सर, और Hg2O का पीपीटी का कलर क्या होगा? Hg2O येलो है। हाँ, और Hg2O ब्लैक 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 ब्लैक। और इसको मैं फिर से बोलूंगा कि आप आंख बंद करके रटने की कोशिश मत करना, पता है क्यों? क्योंकि तो मैं, आप बस नोट्स रिवाइज करना, डीपीपी भेजूंगा ना, उसको बना लेना, क्या बात समझ आई? अगर आपसे डीपीपी बन जा रहे मतलब सही जा रहे हो। चलो क्यों जा रहे हो? क्योंकि भैया वो हर बुक का क्वेश्चन है, उसी बेसड बेस आता है क्वेश्चन। लेकिन थोड़ा सा याद, थोड़ा सा क्या, बहुत याद करने वाला है इसमें। अब रैंकर लोग भैया करते हैं तो आपको भी करना पड़ेगा सर। रैंकर लोग सर कुछ भी कर लेगा सर, क्या करते सर? जेडली बना सकते हैं इसका? क्या जेडली बना सकते हैं? जेडली ही तो आपके डीपीपी में सारा क्वेश्चन है। ओके सर, तुम जो जेडली पढ़ेगा भाई, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम कुछ भी पढ़ो, YouTube पे पढ़ो, जेडली पढ़ो, कोई बुक लगाओ, सब मैं कर रहा हूँ।
YouTube में नहीं पढ़ते हैं सर हम, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं सर, YouTube में पढ़ते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये ब्लैक है, आठ घंटा पढ़ा देते हैं लोग। क्या सर, वहाँ पीरियोडिक टेबल आठ आठ घंटा पढ़ा देता है लोग। अब वो भी वन शॉट में। देखो ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक। अब ध्यान सुनना, ये मैंने हैशटैग क्यों मारा है, ये मैंने हैशटैग क्यों मारा है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछा हुआ है, इसलिए। तो इसमें कुछ पॉइंट है। ये जो एच जी और एच जी एस बना है ना, ये सॉलिबल है। किसमें सॉलिबल है? एक्वारेजिया में, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ एच जी एस की बात करूं और सिर्फ एच जी बात करूं, देखो एक्वारेजिया में तो भाई साहब नोबल मेटल घुल जाए तो इसकी क्या औकात है, है ना। अगर सिर्फ इसकी बात करें जीएस की, तो ये कहां सॉलिबल है? ये सॉलिबल इन क्या? सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड इसे बोलते हैं, ऐसे लिखा मिलेगा Na2S। क्या लिखा मिलेगा? Na2S। ये वाइट कलर का होता है। क्या होता है? वाइट कलर का। एंड सोडियम डाइसल्फाइड, ये कैसा मिलेगा? Na2S2। कैसा होगा? येलो। जैसे आपने देखा होगा ना, अरे वो सुना होगा कि भाई साहब ऑक्साइड टाइप का कि Na2 बनता है, उस टाइप का है। एच जी कहाँ घुलेगा? सॉलिबल इन। इसको देखो मैं क्या बोल रहा हूं, पढ़ा तो मैं ये रहा हूं, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्लस टू तो सिलेबस में है ना, दिख रहा है क्या? इसलिए यहां पढ़ा दिया। सॉलिबल इन सोडियम डाइसल्फाइड बट इनसॉलिबल इन, इनसॉलिबल इन क्या? सोडियम सल्फाइड। ये पॉइंट आपको याद रखना है बस। तो ये देखो ध्यान से, जब मैं आपको पूरा कैटायन पढ़ा रहा हूं, देखो मैंने यहां से आपको कुछ भी याद करने के नहीं बोला, क्योंकि ये सब Hg22+ की प्रॉपर्टी है। लेकिन ये मैं बोल रहा हूं कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी Hg22+ की नहीं लिखवाया मैं, किसका लिखवाया? Hg2+ का, इसलिए। ठीक है, देख लो। देखो ये टॉपिक उतना मजेदार पता नहीं लग नहीं रहा, लग रहा नहीं लग रहा, लेकिन भैया रैंक दिलाएगा आपको यही, क्योंकि बाकी लोग यही छोड़ के जाएंगे, समझ रहे हो। अगर आपको किसी दूसरे से आगे निकलना है ना, तो ये वही टॉपिक है। अरे थर्मोडायनेमिक्स सब पढ़ता है, इक्विलिब्रियम सब पढ़ता है, ये सब छोड़ के जाता है कि अरे यार कौन इतना याद करे। तो अगर आपको किसी से आगे निकलना है तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। चलो आगे बढ़े। चलिए अब कहानी को हम कंटिन्यू करते हुए आपको याद दिलाते हैं कि सारे कटायन के सॉल्व थे, डाल्टा सीएल पीपीटी बन गई थी, PbCl2 AgCl की Hg2Cl2 की। बताओ यहां पे क्या आया था? फिल्ट्रेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, उसमें क्या रहा था? क्या रहा था बताओ? क्या रहा था? H2S इन एसिडिक मीडियम। फिर बनी थी पीपीटी, क्या बनी थी? पीपीटी। वो पीपीटी किसकी थी? वो पीपीटी थी सेकेंड सल्फाइड ग्रुप कटायन की। किसकी थी? सेकेंड ग्रुप कटायन की थी, ठीक है। तो आइए बताते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाम है सेकेंड ग्रुप कटायन। ठीक है, हाँ आज रात में भी क्लास होगी, ठीक है, तैयार हो गए ना सब? यस सर, एकदम। सेकेंड ग्रुप कटायन, ध्यान सुनना, सेकेंड ग्रुप कटायन में क्या था आपका? मेटल के सर, एक बार प्रीवियस पेज दिखाएंगे? एकदम दिखाएंगे। हाँ सर, हो गया। देखो वो जो पीपीटी बनी थी किसकी थी? मेटालिक सल्फाइड की बनी थी, है ना। इसमें एक बहुत ही फेमस सा कंपाउंड डालते हैं, बताओ क्या है वो?
बहुत फेमस, मतलब आपको क्वेश्चन दिखे जाता है, वाई ए एस, सुना तो जरूर होगा। कोई पढ़ा है नाम वाई ए एस, नहीं याद आ रहा है, सुना है? चलो हम भी सुना देते हैं। वाई का मतलब येलो, ए का मतलब अमोनियम, और एस का मतलब सल्फाइड। येलो अमोनियम सल्फाइड, इसको बोलते हैं NH4 twice SX। क्या इससे पहले भी मैंने ऐसे कुछ अभी लिखा था क्या, कुछ मिलता जुलता? X की वैल्यू 2 से 6 तक, अगर याद आ रहा है कहाँ चला गया, इसी पेज के पीछे क्या? अरे ये सामने लिख, देखो 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 सॉल्युबल, अरे हाँ एजी में इनसॉल्युबल इन, देखा क्या, इन सॉल्युबल इन अमोनियम पॉलीसल्फाइड NH4 twice SX। अरे वाई, इसका मतलब ये क्या था, वाई ए एस था, ठीक है। चलिए दादा बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। अच्छा आपको याद आ रहा है कि सेकंड में हमने 2 में डिवाइड किया था, एक सेकंड ए और एक सेकंड बी, बोलो हाँ या ना, क्या था, एक सेकंड ए था और एक सेकंड बी था। सेकंड ए में कौन कौन सा कैटायन था? लेड था, कॉपर, कैडमियम, बिस्मथ और Fe2+। हाँ तो इसमें क्या आएगा, देखो वाई ए एस, ये तो पीपीटी है, आपको घोलना पड़ेगा टेस्ट करने के लिए, तो घोल थोड़ी ना पीपीटी है, ये पीपीटी हम डाल देंगे और रिएक्शन हो जाएगी, घोलना तो पड़ेगा भाई साहब। तो क्या करना पड़ेगा, मेटल सल्फाइड ऑफ सेकेंड बी आर सॉल्युबल, मतलब जो सिलेबस में नहीं है वही घुल गए, समझ में आ रहा है ना, आर्सेनिक एंटीमन, कौन सा आर्सेनिक एंटीमन और टिन, ये था ना। चलिए लेकिन जो सिलेबस में थे, जो घोलने थे हमें, वही नहीं घुले, मेटल सल्फाइड ऑफ सेकेंड ए आर क्या इनसॉल्युबल, आर क्या इनसॉल्युबल, इसका मतलब एक किस फॉर्म में होगा, रेसिड्यू के फॉर्म में होगा, बताओ किसके फॉर्म में होगा, रेसिड्यू के फॉर्म में होगा, क्या समझ में आ रहा है? लेकिन अब घोलना है तो क्या करें बताओ, अगर घोलना है इसको तभी टेस्ट कर पाएंगे, बताओ किस में घोलें इसको, क्या लगता है किस में घोलना चाहिए हमको, बोलो बोलो बोलो, इसको डिसॉल्व कर देंगे, किस में डिसॉल्व करेंगे, हॉट एंड डाइल्यूट, किस में, HNO3 में डाल देंगे, वो जो पीपीटी बनी है किसमें डाल देंगे, हॉट एंड डाइल्यूट HNO3 में, और क्या करेंगे फिल्टर कर देंगे, क्या कर देंगे फिल्टर। अच्छा फिल्टर करने के बाद पता क्या है, CDS, CUS, PBS और Bi2S3, कितनी अच्छी बात है, पता कहाँ जाएगा, जो अगर मैं खुश हो रहा हूं ये घुला होगा या घुला नहीं होगा, क्या लगता है, घुला होगा, घुल गया भाई साहब, घुल गया, जिसको घोलने आए थे वो घुल गया, फिल्ट्रेट है, मतलब ये क्या होगा, ये सॉल्युबल है, ये क्या है, ऑफ कोर्स कॉमन सेंस, अगर फिल्ट्रेट में आया तो क्या होगा, ये सॉल्युबल था किसमें, हॉट एंड डाइल्यूट HNO3 में, बताओ कौन है जो नहीं घुला, अभी भी मारते हैं उसको साले को, बता दो कौन है जो नहीं घुला है, HGS,
HGS कह रहा है नहीं घुलेगा मैं, ये रेसिड्यू बन के रह गया है, क्या है? इनसॉल्युबल। बताओ, ध्यान सुना ध्यान से, जो कहीं नहीं घुलता वो कहाँ घुलता है? Na2S में भी डाल सकते हैं। हाँ, Na2S में डाल सकते हैं, Na2S2 में डाल सकते हैं, अभी लिखा था ना, जस्ट देखो अभी लिखा था मैं, इसमें डाल सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। और अगर ये नहीं है तो बताओ, दुनिया में एक ही चीज है जो सबको घुल लेती है, वो कौन है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया डाल दो, Na2S डाल दो, Na2S2 डाल दो, कोई भी डाल दो, अब ये घुल जाएगा। तो क्या घुल गया तो आपको क्या कटाइन मिल गया? हाँ, अब अपुन टेस्ट करेगा, क्या हवा लगा कि नहीं, दिख रहा है? बताओ इसमें टोटल कितने कटायन थे सेकंड ग्रुप कटायन में? सेकंड ग्रुप कटायन करके कितने कटायन थे? 5 2A में और 6 2B में, तो टोटल 11 था। टोटल कितना था? 11 था। 11 में से 6 क्या थे? आउट ऑफ सिलेबस। 5 थे सिलेबस में। बताओ इस 5 सिलेबस में से कितने हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं? सिर्फ 4, कॉपर, CDS, Bi2S3 और कौन सा यहां पे आएगा? HGS। कौन सा यहां पे आएगा? HGS। क्या बात समझ आई? तो आज हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं, आज के लिए वो पढ़ेंगे सिर्फ कॉपर प्लस 2, बाकी आज रात में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात पता है क्या है? आपका डी ब्लॉक कवर हो रहा है सब। देखो ना, ये कटायन क्या है? डी ब्लॉक ही तो है। तो लोग जो बोलते हैं भैया हम सॉल्ट से नहीं पढ़ेंगे, मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, वो बोल देगा कि ये टॉपिक तो डी ब्लॉक का है। पहला ही पॉइंट हैशटैग इसका, पहला ही पॉइंट क्या है? हैशटैग। ध्यान से देखना, कॉपर 2+I-। अभी तक सब पीपीटी बना रहे थे, ये एग्जैक्टली ये कौन है? गरे स्मार्टफोन दे दीजिए उसके हाथ में। और क्या बन जाएगा? I2। क्या हो गया है? रेडॉक्स हो गया है। क्या हो गया है? रेडॉक्स हो गया है। अच्छा, अगर मैं डाल दूं एक्सेस ऑफ I-, मतलब I- फिर से डाल दूं, क्या बन जाएगा? एक्सेस। तो ये बन जाएगा Cu2I2 और ये बन जाएगा I3-। आपने सुना होगा I3-, जेई मेंस में 2 बार आया। हाँ सर। इसकी पीपीटी होती है वाइट कलर की, और क्योंकि ये I3- है तो इसका मतलब, क्योंकि क्या, इसका ब्राउन कलर होगा। देखो ये ब्राउन है, ये वाइट है, तो ओवरऑल क्या दिखेगा? ब्राउन कलरेशन दिखेगा। ब्राउन, ठीक है, क्या दिखेगा? ब्राउन। तो यार जो पीपीटी बनी, क्या बोलो सर? ये एक्वारेजिया में सर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों नहीं हो पाएगा? अरे नोबल मेटल घोल देता है वो। ओ नहीं सर, हमको लगा सर वो ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक चीजों से थोड़ा बना हुआ है HNO3। ऐसा नहीं। आयडोमेट्री टेस्ट सुना कभी आपने? हाँ सर। टाइट्रेशन आपने देखा होगा कि मेरे भाई उसमें जो टेस्ट कराते हैं वो कराते हैं I2 का। किसका कराते हैं? I2 का, है ना? तो लेते क्या है हम लोग? Cu2I2, I3- जो ब्राउन कलर था, इसमें डाल देते हैं हाइपो सॉल्यूशन। हाइपो मतलब Na2H2O3। बताओ क्या बनेगा ये? ये कहां जाता है? S4O6-2-। एग्जैक्टली, वेरी गुड। S4O6-2- एन फैक्टर बनाता है, सारी कहानी हो चुकी है। यहाँ क्या बन जाएगा? I-3I- में जाएगा और ये आ जाएगा Cu2I2। देखो अब I3- है नहीं, तो ये आपको प्योर क्या दिख जाएगा? Y50 दिख जाएगा।
और मैं बता दूं आयोडोमेट्री यही था ना कि भाई साहब एच टू ओ थ्री कहाँ जाएगा इस फोर टू में, इसमें आयोडीन का टेस्ट करते हैं उसमें दो आता है, एक आयोडोमेट्री और एक आयोडीमेट्री। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब इसमें रेडॉक्स हो जाता है, क्या होता है रेडॉक्स, बाकी में रेडॉक्स नहीं हुआ था, बाकी में क्या बोलती पीपीटी रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन कई टाइप की होती है, पांच टाइप की ना, पीपीटी रिएक्शन होती है, रेडॉक्स होती है, और कौन सी होती है कॉम्प्लेक्स फंक्शन होती है, सॉरी डिकम्पोजिशन, हाँ, चौथा थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, पांचवा क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन होती है। अरे यार yes, तो ये पहला था, दूसरा आएगा साइनाइड, मतलब ये कॉपर ही इंपॉर्टेंट है, पूरा सिलेबस में है ना इसलिए, और इसके रिएक्शन भी काफी यूनिक है। डबल डिस्प्लेसमेंट ही आपका पीपीटी रिएक्शन होता है। चलिए कॉपर टू प्लस जा रहा है साइनाइड में, बताओ क्या बनेगा, Cu CN2O+2+2। अच्छा अगर मैं बोलूं कि ये डिसप्रोपोर्शनेट हो रहा है, बताओ कहां जाएगा, नहीं नहीं इट्स माय हम्बल मिस्टेक, डिसप्रोपोर्शनेट नहीं हो रहा है, ये टूट जा रहा है CuCN में और CN2 गैस में। डू नो व्हाट इज द नेम ऑफ CN2 गैस, यस सर, इसे बोलते हैं साइनोजेनिक गैस, पता रेडॉक्स हो रहा है, क्या हो रहा है रेडॉक्स, ये प्लस टू से कहां जा रहा है प्लस वन, और इसका चेंज करना देखा टूट रहा है कि नहीं टूट रहा, मतलब इसका बढ़ रहा है कि नहीं साइनाइड का, माइनस का जीरो हो रहा, क्योंकि यहां पे जीरो आ गया, तो ये क्या है, ये भी क्या है रेडॉक्स है, मैंने गलत से बोल दिया डिस्प्लेसमेंट, वो गलत, हाँ ये होता है येलो कलर का पीपीटी, कैसा होता है येलो, और ये क्या हो जाएगा आपका व्हाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा व्हाइट, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आप ध्यान सुनना, क्यों इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, मैं एक चीज बताने वाला हूं, अगर इसमें मैं डाल दूं एक्सेस ऑफ के सी एन, क्या डाल दूं एक्सेस ऑफ के सी एन, घुलेगा या नहीं घुलेगा, डिप्स का उल्टा कर दो, डिप्स का उल्टा, क्योंकि जब के आई था तो डिप्स था, मतलब डी ब्लॉक इनसॉल्युबल, ये क्या है डी ब्लॉक इनसॉल्युबल होगा, है ना, कैसे आ देखो ध्यान से, क्या बोला के आई था डिप्स, डी ब्लॉक इनसॉल्युबल, यहाँ क्या बोल दो डी ब्लॉक सॉल्युबल, तो ये बनाएगा के थ्री सी यू सी एन का होल फोर, के थ्री सी यू सी एन का होल फोर। अब ध्यान सुनना, कभी आपने वो सुना है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, बोलो हाँ है ना, हाँ क्या, हाँ देखो परफेक्ट कॉम, देखो सबको पता है क्वार्सन कंपाउंड में इसके टेस्ट नहीं आते, सबको पता है, लेकिन अगर ये वो पानी के रिस्पेक्ट में होता कि पानी में नहीं टेस्ट दे रहा है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक रीजन डाल दो आप, क्या डाल दो स्पेसिफिक रीजन, अगर कॉपर का टेस्ट आ गया तो उसे बोलेंगे इम्परफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू H2S सॉल्यूशन, अगर कॉपर का टेस्ट नहीं आया तो क्या बोल दोगे परफेक्ट। तो अगर मैं बोल दूं कि पीपीटी नहीं आई कॉपर की, तो वो पूछेगा ये कॉम्प्लेक्स परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है या इम्परफेक्ट, बताओ क्या बोलोगे, परफेक्ट है ना भाई, कॉपर का टेस्ट नहीं आया, क्योंकि कॉपर का टेस्ट नहीं आया मतलब क्या हो गया परफेक्ट हो गया, अगर कॉपर का टेस्ट आ जाता तो क्या बोलते उसे इम्परफेक्ट। तो वो ये पूछता है आपसे कि भैया ये जो कॉम्प्लेक्स है ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है या इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, तो क्या बोलोगे परफेक्ट, क्यों, क्योंकि H2S में ये टेस्ट नहीं दिया है, क्या क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा एक सिमिलर रिएक्शन दिखा देता हूं, एक सिमिलर रिएक्शन है, जो रिएक्शन साइनाइड कर रहा है ना वही इसका भाई करता है, सर इसका भाई मतलब, इसका भाई मतलब अब तुम बताना क्या बनेगा,
मैंने बता दिया एकदम सिमिलर टू सिमिलर रिएक्शन है, बताओ क्या बनेगा? CuSCN होल ट्वाइस। CuSCN का होल ट्वाइस, इवन कलर भी सेम है, ब्लैक। अब क्या बनेगा? तो उसका तो येलो था। अच्छा उसका येलो था, सॉरी 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 सॉरी, ये ब्लैक है। हाँ उसका येलो था, ये क्या है? ब्लैक। बताओ यहाँ क्या बनेगा? CuSCN। और क्या बनेगा? वहां था साइनोजन गैस, आपको याद है वो पढ़ाया था मैंने, अरे स्यूडो हेलोजन है ना, वहां बताया था कि ये ऐसे होते हैं, ये स्यूडो हेलोजन होते हैं। ये क्या होता है? वाइट होता है। क्या होता है? वाइट। तो ये जरूरी नहीं आप याद करें, मैंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया आपको बस, कि जैसा साइनाइड कर रहा वैसा थायोसाइनाइड भी करता है, ठीक है। चलो तीसरा क्या आएगा? कॉपर टू प्लस और NaOH, और चौथा तो भाई साहब भर भर के हैश जाएगी, कॉपर टू प्लस और NH4OH, ये होता है अमोनिया वाटर। आज यही पढ़ेंगे चार, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ध्यान सुनना, बताओ क्या बनेगा? ये बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड। कैसा है? हल्का ब्लू, लाइट ब्लू पीपीटी। बताओ जल्दी बताओ, क्या ये एक्सेस में सॉल्युबल होगा? बोलो हाँ या ना। क्या ये एम्फोटेरिक है? नहीं। नहीं है तो क्या हो जाएगा? इनसॉल्युबल हो जाएगा। अगर मैं इसे हीट कर दूं, क्या कर दूं? हीट। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O, जो ब्लैक होता है। क्या होता है? ब्लैक। अब ध्यान से ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन में आता है यहाँ पे, कि कॉपर को ये जो लिया है, अगर आपने लिया कॉपर सल्फेट के फॉर्म में, वहां से आएगा कॉपर प्लस टू, तो ये बनाता है कॉम्प्लेक्स कॉपर सल्फेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। याद है अभी जैसे लिखा ना बेसिक कार्बन, वैसे ही है बेसिक कॉपर सेकेंड सल्फेट, ठीक है। अच्छा अब ध्यान सुनो, ध्यान से, अगर मैं डाल दूं एक्सेस ऑफ NH4OH, कॉपर NH4OH में क्या होगा? घुल जाएगा। तो मुझे बताओ कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा? हिंट है, स्विट्जर सॉल्ट बनता है। अच्छा, CuNH3O4। एकदम सही। क्या बन जाएगा? क्योंकि अमोनिया का तो कॉम्प्लेक्स बनाना है, CuNH3O4SO4। क्या बोलते हैं इसको? डीप ब्लू कलर का होता है और नाम है स्विट्जर सॉल्ट। तो चूंकि ये स्विट्जर सॉल्ट आया है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्या बन रहा है? अलग बन रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल अभी तक आप जितने कटायन पढ़े हो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कटायन कौन है? कॉपर प्लस टू। यस सर। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे हम लोग 9:40 पे। थैंक यू सर। वेलकम। और हाँ प्लीज डीपी पर बनाते। अच्छा कौन से डीपीपी भेज दी मैंने अभी तक? ये जो मैंने भेजे ना डीपीपी 26-27, वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है कि कितने कलर हैं। कभी आपको दिक्कत हो आप वहां से मिल जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है? नोट से बाहर नहीं आएगा भाई साहब। ओके चलिए, बाय बाय।